हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, समस्त को स्वागत एक्सप्लोरिंग गोल्स यूट्यूब चैनल को। ओके, समस्ते आसी जाओ जल्दी जल्दी, स्वागत करुच आज सेशन को। देखिए किसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्यूटर रो सिलेक्टेड क्वेश्चंस। ओके, तो किसी सिलेक्टेड किसी इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस ऊपर फोकस रहिबो आज। स्वागत करुच्छे वन सेकेंड, प्रणाम, गुड इवनिंग। एंड चैनल को जो मैंने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया सब लाइव आउ अपलोडेड वीडियोज को पाइबापी हला। चलो हाँ, आउ पेड कोर्स रे जो मैंने जॉइन करना निश्चित रूपे जॉइन करो। एक्सप्लोरिंग गोल्स हमारे पेड कोर्स रे तुमने कम्प्लीट प्रिपेरेशन गाइडेंस पाइपर। अरे गधिया दल, निश्चित रूपे जो मैंने भी वर्तमान पर्यटन जॉइन करना निहाती जॉइन करो। देख वर्तमान कोर्स फी रही 399 आम टीचिंग एग्जाम्स OTET, OSSTET, CTET सबुथिपाई एंड टीचिंग एग्जाम्स रेगुलर हाई स्कूल टीचर जूनियर टीचर OAV ये सबुथिपाई काम कर। तो ये गोटे 399 कॉम्बो पैक, बाकी रहा तुम बीएड एंट्रान्स रही 299 कोर्स फी निश्चित रूपे जॉइन करो। टीचर एजुकेटर OES 499 एंड ओडिशा सिविल सर्विस प्रिलिम्स आमर मात्र 299 टंका रही केवल प्रिलिम्स। तो ये हूँ डिटेल्स आमर कोर्स र आउ सबूर टेस्ट सीरीज तुमने पाइपर मॉक टेस्ट सीरीज पाइपर हाई स्कूल टीचर पाई रेगुलर हाई स्कूल टीचर जूनियर टीचर सबुथिपाई। तो ये तुमने ये सब जहाँ भी देखुच ना ये सब फ्री रही तुम कोर्स सहित ये सब फ्री रे तुम्हें पाइपर सब सब्जेक्ट व्वज तुमने पाइब कौन मॉक टेस्ट डिटेल मॉक टेस्ट सबुथर पाइपर सेमिति कोर्सेस भितर केवल मॉक टेस्ट ना तुम्हें सब क्लास आज पर्यटन जहाँ हो जॉइन कले तार रेकॉर्डेड क्लासेस पाइपर जमीक जदि मुझे टीचिंग एग्जाम्स कोर्सटा को ओपन करी देख सब सब्जेक्ट व्वज केमती आम कंटेन्ट रही कौ कौ क्लासेस तार डिटेल्स तुमने पाइपर आउ जो मैंने पेड कोर्स जॉइन करेंगे ये स्पेशल गोटे जिनस रही स्पेशल जिनसटा हूँ स्टडी मटेरियल्स। तो ये जो स्टडी मटेरियल्स अच्छे स्टडी मटेरियल्स को तुमने ओपन कर स्टडी मटेरियल्स रे सब इम्पोर्टेंट रही पीडीएफ्स सब इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स को पाइपर वर्ल्ड इंडिया ज्योग्राफी रो इम्पोर्टेंट पीडीएफ सब रही देख से जो बुक आम पॉपुलर जो फाइव पावर वाला बुक रही। तो ता सहित बहुत गुड़े क्वेश्चन सेट डिफरेंट टाइप क्वेश्चन वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन पाइपर सेमती एजुकेशन एंड पेडागोजी अंडर रे जहाँ सब क्लासेस समग्र शिक्षा थ्योरीज ऑफ एजुकेशन इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ये सब पूरा कवर करा सरी जाइछि ऑलरेडी हमारो हाई स्कूल टीचर जूनियर टीचर पाई कोर्स कवर करा सरी जाइछि। तो माने रिकॉर्डेड क्लासेस मध्ये अवेलेबल अच्छे देखि परिबो। सो एवरीथिंग इज देयर इन ए सिस्टमैटिक वे जो जिनस चाहिबो ताकु पाई परिबो। सेमिति जनरल अवेयरनेस रो सब क्लासेस करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस एटी मिसिक रहिछि। ओके, तो सब जिनस रो स्टडी मटेरियल्स को तुम्हें असेस करि परिबो। ता सहित सब क्लासेस देखिपर जमीक तुम देख बायोलोजी भितर ही इकोलोजी सब आम एनवायरनमेंट एनवायरमेंटल साइंस सब जिन तुमने पाइब। तो या छाड़देले आम कोर्सेस रे कंटेंट रे आमर कौन कौन कवर करें देखिपर। सो कंटेंट जहाँ आम ऑलरेडी कवर कर चलचे ये तो स्टडी मटेरियल्स मुझे कहती। ओके, तो स्टडी मटेरियल्स रे तुम कंप्यूटर रो बहुत इंपोर्टेंट वर्तमान स्टडी मटेरियल्स बहुत ही इंपोर्टेंट एंड कंप्यूटर स्किल्स जो देखिए आम बहुत गुड़े क्लासेस कवर करछे एठी जोटा कि शो करूनी किंतु तुम मैंने ये देखिपर ताकू कंटेन्ट डिटेल्स जाटा कौ कोर्सटा। हाँ ठीक अच्छे, तो स्टडी मटेरियल्स तुम मैंने पाइपर देख गोटे बहुत इंपोर्टेंट तुम मैं मुझे सेयार कर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जो मैंने पेड कोर्स अच्छा से देखनी जदि यार फायदा उठौन बसिक रही ताहले बहुत बड़ भूल करुच कहीं ये मुझे जो बही प्रोवाइड कर रिसेंटली कंप्यूटर क्लास कैप्सूल बेस्ट ई बुक इजी जोटा प्रोवाइड कर दिस इज द बेस्ट एवर थिंग या जो मैंने आसेस कर तुमको टारगेट दे ए पीडीएफटा को कम्प्लीट करने जो मैंने कम्प्लीट कर दे बहुत बहुत धन्यवाद ए यू क्या गेट एव्रीथिंग सब जिनस ये रही। सो या तुम मैंने आसेस कर पेड कोर्स जॉइन कले जोटि कि तुमने डिटेल्स देखिपर एवं एटी तुम पूरा लास्ट पर्यंत बहुत गुड़े क्वेश्चन अच्छे विथ बोल्ड होकर अच्छी तार आंसर तो अनलिमिटेड क्वेश्चन पाइपर ए पीडीएफ। सो
ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସେସ୍ କର ସମସ୍ତେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏ ବି ସି ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଛି, ଏ ବି ସି ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତୁମମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିପାରିବ। ମାନେ ଡାଇଗ୍ରାମାଟିକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି, ସୋ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବ ସବୁ ଜିନିଷକୁ। ତ ଇଏ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର ପେଡ୍ କୋର୍ସରେ। ସେମିତି ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛ ଯାହା ବି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ପେଡ୍ କୋର୍ସ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ 399 ଫର୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ଆଣ୍ଡ 299 ଫର୍ ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, 499 ଫର୍ ଓଇଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେଟର୍, 299 ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ସ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତେ କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେସନ୍। ଆଉ ଯାହା ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ୍ଲାସେସ୍ ହେଉଛି ତାର ସବୁ PDF ମଧ୍ୟ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ନୋଟ୍ ବି କରିଦେଇଛ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ୱେଲ୍ ଡନ୍। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ସେସନ୍। ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ଗୋଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଯେଉଁମାନେ କରିନ। ଲେଟ୍ସ ବିଗିନ୍ ଦିସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେସନ୍। ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସର ସମ୍ଭାର ଅଛି ଏଠି। ତ ଆମେ ଆଜି କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରୁଛେ ଦେଖିବା। MCQ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆଜିର ସେସନ୍କୁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅନ୍ ୟୋର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍। ଆଇ ଏମ୍ ସରି, କମେଡ଼ି କ୍ଲାସ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଏ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ୟୁନିଭ୍ୟାକ୍। ଏ ଯେଉଁମାନେ କରିଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଲେଟ୍ସ ମୁଭ୍ ଅନ୍। ୟେସ୍, ୟୁନିଭ୍ୟାକ୍, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ, ବେସିକ୍ ଅପରେସନ୍ ପରଫର୍ମ ବାଇ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆର୍। ଦ ବେସିକ୍ ଅପରେସନ୍ସ ପରଫର୍ମ ବାଇ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଇଜି ଅଛି ସବୁ, ସମସ୍ତେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସକୁ। କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର୍? ୟେସ୍, ଏଠି ଅଲ୍ ହବ, ଅଲ୍ ହବ। କାହିଁକି ବେସିକ୍ ଅପରେସନ୍ସରେ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଅପରେସନ୍ ବି ଯିବ, ଲଜିକାଲ୍ ବି ଯିବ, ଆଉ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ ବି ଯିବ। ସୋ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଟୁ ମେଜର ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପ୍ସ ଆର୍। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଟୁ ମେଜର ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପ୍ସ ଯଦି ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ତ କ୍ଲିଅରଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ଟୁ କହିଦେଇଛି ତ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା, ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର। ବି ଆଣ୍ଡ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଡି କରେକ୍ଟ ଏଗେନ୍। ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର ଆର୍ ସ୍ୱିଚିଂ ଡିଭାଇସେସ୍ ଆଜ୍ ସ୍ୱିଚିଂ ଡିଭାଇସେସ୍ ଆର୍ ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ। କେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର୍ ସ୍ୱିଚିଂ ଡିଭାଇସେସ୍ ହିସାବରେ କାମ କରେ? ଏଗେନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟ୍ୱିନ୍ ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର? ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଆଉ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ଭଲସେ ଦେଖ ଆଉ ଆରାମସେ କର। ତୁମମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଏଇ ସିରିଜ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର। ୟୋର୍ ପଜିଟିଭ୍ ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍ ହାଜ୍ ଏ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ମି। ସୋ ମେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଦେଖ ଏଠି ଭୁଲ କରିଦେଲ। ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଆର୍ ଫୋକସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ଆଜ୍ ମେନି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଆଜ୍ ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ମୁଁ କହିଥିଲି
सुपर कंप्यूटर्स जो थ्योरी क्लास रे एप्लीकेशन रे कही थी सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एक्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल, कम प्रोग्राम को फास्टर करे, किंतु मेन फ्रेम मल्टीटास्क करिए, पावर टू एक्जीक्यूट एज मेनी प्रोग्राम्स कंकरेंटली। तो जितेबाला आम सुपर कंप्यूटर को जाऊे ये गोटे प्रोग्राम को जल्दी रे बहुत फटाफट कर दिए, एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर कहले मल्टीपल प्रोग्राम्स को एट द सेम टाइम करे, किंतु स्पीड रे करी पारे नी। सुपर कंप्यूटर फटाफट करके देखाए एक्जिक्यूट करे फटाफट, किंतु मेन फ्रेम जल्दी करी पारे नी। मेन फ्रेम रो क्वालिटी है सी मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम करे, जोटा कि सुपर कंप्यूटर पारे नी। ASCII and EBCDIC are the popular character coding system. What does EBCDIC stands for? कौन बान सर? EBCDIC रो फुल फॉर्म पचार छी तो यार राइट आंसर यस एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड इज द राइट आंसर। ASCII टा होचे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इनफॉरमेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इनफॉरमेशन इंटरचेंज। EBCDIC होचे एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। क्वेश्चन नंबर 7 सबूत इजी क्वेश्चन। वेरी पॉपुलर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU को कहा जाए ब्रेन। ओके आगे को चलो। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन नंबर 8 स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन तो एठी मध्ये सब हो राइट आंसर All the above. Tracks per inch of surface, bits per inch of tracks, disk pack in disk surface. सब ऊपर depend करे magnetic disk रो storage capacity कितने रहेगा। The two kinds of main memory are. Two types of main memory. Number 9. Answer is. Read only memory and random access memory. C correct. C is the right answer. Two kinds of main memory. Edita huchi main memory amara. Primary or secondary hele main memory nuha. Main memory huchanti ROM and RAM. C correct. A storage area used to store data to a compensate for the difference in speed at which the different units can handle data each. स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डाटा कंपेंसेट फॉर द डिफरेंस इन स्पीड एट व्हिच द डिफरेंट यूनिट्स कैन हैंडल आपको कहा जाए बफर। बफर इज द राइट आंसर, एक्युमुलेटर नुह, बफर इज द राइट आंसर। बी करेक्ट। 11 कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डम वी कॉल इट। कंप्यूटर यूज करला बेले हमें बोर होने टायर्ड होने तार ये गोटे प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी टाक कौन कहा जाए आंसर इज डिलीजेंस। डिलीजेंस इज द राइट आंसर। डन जीवा क्वेश्चन नंबर 12 को। Integrated circuits ICs are related to which generation of computers? Integrated circuits जहाँ को IC बोली कहा जाए तहा को generation computer को belong करे? What is the right answer? बहुत important exam तमरो जे कौन सी competitive exam high school teacher हो किंबा जो भी computer is a part in the curriculum or the syllabus, it plays important role. Third generation computer ICs thai. CD-ROM is a
CD ROM is a compact disk, read only memory. None of the above हबो कहीं कि ना ये गोटे magnetic memory है ही परिवो की magnetic memory हबो की हाँ मतलब उसे semiconductor memory भी है ही परिवो ताहले magnetic memory semiconductor तो ठी कौन हबो optical हबो optical compact disc बोली कोई बात में तो ना ठी none of the above सही तो हमें जीबा None of the above सही तो हमें जीबा, okay? अब optical compact disc हबो, answer. जो दी optical था ना ताले ही था ना, ठीक हो ची? And CD, तो हमने जान चुके जो CD था ये, compact disc अगर हमें use करते थे different movie देखिवा पाई, तो ये 700 MB पर जन तो ही data store करी पड़ता था. A hybrid computer. Question number 14. फोर्टीन रो राइट आंसर कौन हाँ यस रिजेम्बल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर तो डिजिटल प्लस एनालॉग कहले आम हाइब्रिड कंप्यूटर बोली बुझुचे सो राइट आंसर इज सी व्हिच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेस 8 बीट कोड कॉल्ड EBCDIC को टाइप रो कंप्यूटर यूज करे 8 बीट कोड जहाँ कहा जाए EBCDIC EBCDIC कौन एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड को यूज करे को टाइप रो कंप्यूटर एट राइट आंसर होची मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इज द राइट आंसर सी करेक्ट ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर रेस्पॉन्स टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम कौन राइट आंसर ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्स टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम कंट्रोल सेक्शन इज द राइट आंसर कंट्रोल सेक्शन हियर बी इज द राइट आंसर ओके चलो चीफ कंपोनेंट ऑफ फास्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत भल से जानवा दरकार एटा बहुत तरह एग्जाम आसी परीक्षा रे आसीबारे रिकॉर्ड करछि प्रथम माने मुख्य कंपोनेंट कौन फास्ट जनरेशन कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर कौन पेड बैच रे जो माने अच्छा एप्लीकेशन रो से माने निश्चित रूप पे एही जिंस सब इजीली करि परथुबो बोली मु भावु छी काहेकि हमें क्लास भी करि छी आ PDF भी प्रोवाइड करा जाय छी एंड तुम माने जदी ताको नोट करि छ आ से क्वेश्चन सब को रिवाइज कर दे छ यू कैन डू एनीथिंग आ एही जो सीरीज चालू छी YouTube रे इट विल हेल्प यू टू रिवाइज एंड किसी एडिशनल इनफर्मेशन एंड नलेज हेल्प कर आड कर तुम नलेज एक्जिस्टिंग नलेज सहित जो मैंने यूट्यूब्रे अच्छे से माने ये सब ये जो सेसन सब आस आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम तो समस्ते कनेक्टेड रुह यू विल गेट एवरीथिंग वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स इज द राइट आंसर ओके टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज यस वेरी गुड बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन थैंक यू समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर कौन यूज करिवो प्लॉटर यूज करिवो फ्रेंड्स प्लॉटर कौन यू नो दैट प्लॉटर हार्ड कॉपी ग्राफिक्स यूज करा जाए कलर हार्ड कॉपी फोटोग्राफर बाहर करवा प्लॉटर यूज करा जाए हला तुम ABC ऑफ कंप्यूटर जो PDF यू कैन गेट इट इन डिटेल प्लॉटर रो चित्र सहित आम डिस्कस कर नेक्स्ट व्हाट आर द स्टेजेस इन द कंपाइलेशन प्रोसेस कंपाइल करने कौन सब स्टेजेस रही कौ स्टेज देखी जीव क्वेश्चन नंबर 19 लेक्सिकल एनालिसिस सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जेनरेशन सी इज द राइट आंसर सी करेक्ट Which of the following IC was used in third generation computer? हमें तो जान ले जाए IC
इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज करा जाए थर्ड जेनरेशन कंप्यूटर रे, बट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आईसी इज यूज्ड, को आईसी क्यों यूज करा जाए, कौन वो आंसर? सर्वर साइड इंक्लूड और एमएसआई, ए दीटा, ओके ए दीटा माने ऑप्शन डी एठी राइट आंसर, ठीक अच्छे ऑप्शन डी राइट आंसर, यूज इन थर्ड जेनरेशन कंप्यूटर जो आईसी एसएसआई और एमएसआई को आ जाए तक, मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज्ड इन फर्स्ट जेनरेशन कंप्यूटर वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड, जल्दी करो फटाफट क्वेश्चन देखो देखो आंसर हवा दरकार, एवं ता सहित वीडियो को जो मैंने वर्तमान पर्यंत लाइक करना समस्ते निश्चित रूपे थम्स अप करी, यस लाइक करने को समस्त को अनुरोध। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन जेनरेशन इन फर्स्ट जेनरेशन कंप्यूटर्स होची वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स, ए डम्ब टर्मिनल हैज, डम्ब टर्मिनल, डम्ब टर्मिनल रे कौन थाए बोली पचार छे, तो ये डम्ब टर्मिनल कौन आगे जानवा दरकार, तुमको मु यूट्यूब रे ही गोटे सेशन रे देखे थी आगरु, एमती गोटे कंप्यूटर टाइप रो थिबो माने कंप्यूटर थिबो जोटी की अटैच है कि थिबो कौन कीबोर्ड अटैच है कि थिबो आ गोटे टीवी टीवी स्क्रीन आउ कीबोर्ड एतिक जिंस कीबोर्ड एंड स्क्रीन ताको कहा जाए डम्ब टर्मिनल, ऑलरेडी मु फोटो सहित बोधे देखी थी तुमने आज टिके गूगल कर दबो ना डम्ब टर्मिनल केमती देखा जाए, ओके डम्ब टर्मिनल तुम आराम से देखी पारिबो, जदि चाहिबो मु भी देखे देबी किछ असुविधा नै, डम्ब टर्मिनल विल चेक, बट वर्तमान क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, 1 मिली सेकंड इज, 1 मिली सेकंड कितने सेकंड, 23, यस राइट आंसर होउछि 1000th ऑफ ए सेकंड, गोटे सेकंड रो हजार भाग रु भागे होउछि 1 मिली सेकंड, ओके 24 को जीवा, देखो द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर 24 राइट आंसर होउछि डॉट पर इंच, को क्वालिटी रो देखा जीवो आउटपुट टा सेटा केतेटा डॉट पर इंचेस अछि, गोटे एक्चुअली स्क्वायर इंच हवा कथा कि नाइ, डॉट पर इंच ही हबो राइट आंसर, बी करेक्ट, अच्छा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ए देखो डंप कंप्यूटर जोटा मु कहतली आसी सारी, याको कहा जाए डम्प कंप्यूटर जोटा केवल स्क्रीन आउ कीबोर्ड देखु तो ये जिनस गुड़ा ये हूँ डम्प कंप्यूटर राइट, कैलकुलेशन पे यूज करा जाए डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन, ओके चलो आगे को जीवा, तो ये 25 रो राइट आंसर हूँ एबीसी, एबीसीटा हूँ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बुझेल तो एबीसी कंप्यूटर एटा एटानासोफ बेरी कंप्यूटर, फास्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर बोली आपको कहा जाए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर एबीसी एटानासोफ बेरी कंप्यूटर, ओके डेवलप किए करते जॉन विंसेंट एटानासोफ, ठीक अच्छे चलो बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन समस्त को थैंक यू, व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एटानासोफ एंड तो हो गला क्लियर या पूर्व डिस्कस कर देले आसीगल।
फॉर्म को पूरा। डन, चलो एबीसी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा, मैक्सिमम डाटा किए स्टोर करी पारिबो। आंसर कौन? हार्ड डिस्क। वेरी गुड। व्हिच कंप्यूटर वाज कंसीडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर अंटिल 1973 व्हेन कोर्ट इनवैलिडेटेड द पैटेंट। क्वेश्चन नंबर 28। कंप्यूटर वाज कंसीडर्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोली आग कनसीडर करा जाउथला 1973 पर्यंत कनसीडर करा जाउथला से होची एनियाक। ओके, फिजिकल कनेक्शन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज। बढ़िया पार्टिसिपेशन, फैंटास्टिक, वेल डन। तो ये हूँ एड्रेस बॉस इज द राइट आंसर। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर डैश ऑफ डाटा। तो फ्लॉपी डिस्क कैसे डाटा स्टोर करे? पॉपुलर क्वेश्चन ये भी बहुत तरह एग्जाम रे आसी बार बार लगातार। क्वेश्चन नंबर 30, राइट आंसर इज डी 1.44 MB। जीबी नुह, जीबी नुह, एमबी मात्र, बहुत कम डाटा ही स्टोर करूला। ओके, फ्लॉपी डिस्क। ए हाई क्वालिटी सीएडी सिस्टम यूजेस द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग ड्रॉइंग एंड ग्राफ्स। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सिस्टम CAD सिस्टम यूजेस द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग ड्रॉइंग एंड ग्राफ्स। राइट आंसर होची डिजिटल प्लॉटर। एबे टिके पूर्वर मैं डिस्कस करिचे हमें ग्राफ्स आसिला तो प्रिंटिंग्स ड्रॉइंग्स। ओके, तो प्लॉटर ही हम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस नुहे क्योंटी? नॉट एन इनपुट डिवाइस कौन हम? कंप्यूटर आउटपुट टू, अरे ऑलरेडी फुल फॉर्म भी लिखी दी COM, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। तो ये आउटपुट OCR ऑप्टिकल स्कैनर आउ वॉयस रिकॉग्निशन डिवाइस ये सब कौन? इनपुट डिवाइस। बुझेगा? तो OCR कौन? जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन पाई, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन पाई यूज करा जाए, डिफरेंट OMR सीट को रीड करिवारे व्यवहार करा जाए। ओके, चलो आगे बुझिबा। एक्यूरेसी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंटेबल इन टू 16-bit वर्ड्स ऑफ ए कंप्यूटर इज अप्रोक्सीमेटली। किछि किछि क्वेश्चंस अछि जहां कि तमन को पई नुवा निश्चित रूपे ही थी। तो यार राइट आंसर हूँ 16 डिजिट्स। इन मोस्ट ऑफ द IBM PCs द CPU द डिवाइस ड्राइवर्स मेमोरी एक्सपांशन स्लॉट्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन ए सिंगल बोर्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ द बोर्ड? इजी क्वेश्चन। कौन आंसर? मदरबोर्ड इज द राइट आंसर। मदरबोर्ड रे सब जिनस कनेक्टेड थाए, मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट एक्टिव कंपोनेंट्स सब जिनस सिंगल बोर्ड रे माउंटेड थाए। तो हमें सर दे 34 क्वेश्चन, वर्तमान जीवा 35 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। इन मोस्ट IBM PCs द CPU डिवाइस मेमोरी। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ द बोर्ड? इट इज रिपीटेशन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। सो एठी भी मदरबोर्ड हबो राइट आंसर 35 रे। ओके, ठीक अछि। नेक्स्ट तळ गुटिए जीवा मैग्नेटिक।
डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर, मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम। हाँ बापा बोर्ड भी दरकार, मदर बोर्ड अच्छी माने नहीं कि नहले जेंडर बायस होची तुमको मानिबाकू पड़ो। हो सेमिति जेंडर बायस हेले तो हाँ गोटे थर फीमेल प्रेग्नेंट हेले गोटे थर मेल भी प्रेग्नेंट हवा कथा। तुम जो हिसाब से धरल जेंडर बायसनेस को एते क्रिटिकल कर देला जे लास्ट को ए जेंडर बायसनेसटा ही जेंडर बायसनेस होगा। 36 राइट आंसर इज नॉन ऑफ द एबो। मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर डायरेक्ट एक्सेस नुह, सिक्वेंशियल एक्सेस नुह, बोथ द एबो नुह, अरे कौन हाँ नॉन। मैग्नेटिक डिस्क आर मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर कौन, मैग्नेटिक डिस्क करे डाटा स्टोर करे, हाँ डाटा स्टोर करे हार्ड डिस्क रे ना कौन। हो ठीक अच्छे तो ये डायरेक्ट मीडियम फॉर ये डाटा स्टोरेज ही हम आंसर। टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज। टेक्निक यूज टू कोड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज। 37 राइट आंसर हूँ ऑप्शन ए दैट इज पल्स कोड मॉड्यूलेशन। कोड को मॉड्यूल करा जीवो, मॉड्यूलेशन हो सो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल रे कन्वर्ट करा जीवो। 38 रिगार्डिंग ए VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट व्हिच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट सहित रिलेटेड को स्टेटमेंट करेक्ट। रिगार्डिंग VDU व्हिच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट मीन्स को डिवाइस रे एक्चुअली ये जाए VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट आमर सब मन रखिबो पेरिफेरल डिवाइस रे जाए। पेरिफेरल डिवाइस ये आउटपुट डिवाइस कम पेरिफेरल डिवाइस अधिका। ओके तो ये मॉनिटर हो पारे डिजिटल प्रोजेक्टर हो पारे जहाँ माध्यम रे कौन से जिनस को डिस्प्ले करा जाए से पेरिफेरल डिवाइस रे जाउछ। 39 ए मॉडेम ए मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंप्यूटर इज ए मशीन दैट इज मीट फॉर। मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कहीं तैयारी करा जाए मीट फॉर व्हाट। आंसर इज इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन आउटपुटिंग ऑफ डाटा ए सबुति डिजाइन करा जाए। सो राइट आंसर इज बी। When was vacuum tube invented? Vacuum tube invention के बेहतर। When was vacuum tube invented? First vacuum tube, जो दिया मैं देखिवा ताहले 1906 एठी हबर राइट आंसर किंतु 1904 रे किसी जगह रे मेंशन थी वारो तुम मैंने पाइबो वैक्यूम ट्यूब इन्वेंशन। तो एठी वैक्यूम ट्यूब टा 1906 ही हबो तो 4 न करके हमें 6 ही करिवा कहीं ना 4 ऑप्शन रे भी नहीं। ओके ठीक अछि चलो ली डे फॉरेस्ट को द्वारा इन्वेंशन हेतला जदि हमें कहिबा ली डे फॉरेस्ट आउ जॉन फ्लेमिंग मध्यम किसी जगह रे मेंशन अछि जोडे कि 1904 रु से वैक्यूम ट्यूब को इन्वेंट करथिले। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। ग्राफिक्स रे पुणी ग्राफिक्स क्वेश्चन आसला तो कोन करिवो आखी बुझी कि हां यस आठणी हजिला आठणी हजिले कौन मन दुख हुए कि ना 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 आज अलग जोन रे अच्छा टिके अच्छा 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 हो ठीक अच्छे प्लटर कर दियो समस्त तो मुझे हसीदेवी किसी असुविधा नहीं।
ଓକେ ୱେଲ୍ ଡନ୍। ନାଇଁରେ କ'ଣ ହେଉଛି କି କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଫିଲ୍ଡ, ତୁମେ କେଉଁ ଏରିଆରୁ ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ନା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ଆସିବ, ନେଟୱାର୍କିଂରୁ ଆସିବ, ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ରୁ ଆସିବ, ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର୍ରୁ ଆସିବ, ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ ଆସିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତ ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ଏରିଆଜ୍ ଅଛି ୟାର, ତ ଟିକିଏ ଆମେ ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଥିବା ଦରକାର, ଭଲସେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ୱିଥ୍ 80286 ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର୍ ଇଚ୍, ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ହେବ, 80 କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଫର୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ, ଏମିତି ଏମିତି ତ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବନି, କାହିଁକିନା ଏ ଦୁଇଟାର ମତଲବ କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ଅପ୍ସନ୍ ଦେବାର, ବଟ୍ ଏମିତି ଦେଇଛି ମାନେ ସେ ଆଉ କିଛି ପାଇଲାନି। ତ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଫର୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଯେତେବେଳେ ହେବ କ'ଣ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦୁଇଟା ଯାକ, ନାଇଁ କି? ଚାଲ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଜାଣୁଥିବା ଦରକାର, କାହିଁ କହିଲ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଯାଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନା। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 44 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡି ଗ୍ୟାଦରିଂ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମ ମୁହଁରେ ଆଜି ଭାରି ଜୋରରେ ହସ, ଆଉ ଯେହେତୁ ତୁମେ କ'ଣ ଭାରି ଜୋରରେ ହସୁଛ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତୁମେ ଯେହେତୁ ଭାରି ଜୋରରେ ହସୁଛ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହସୁନି ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ହଁ ତୁମେ ତ ହସିବ ନା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଆମର ତ ପାଖୁଆ ପାଟି ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ହଁ ତ ଦିନ ତୁମର ଚାଲିଛି ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଫେବୃଆରୀ, ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତ ମୋର କ'ଣ ଅଛି କୁହ? ଗ୍ୟାଦରିଂ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ନଟ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ। ବଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫୋକସ୍ ରହିବ, କ'ଣ ଜାଣିଛ? ମିଶନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ୟା ଉପରେ ନଜରଟା ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର, ବୁଝିଲା ତ? ଡନ୍, ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ୟାର ଆସୁଥିବା ଦରକାର, ଏଥର ପକ୍କା ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ। ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱାଜ୍ ଡେଭଲପ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଇନ୍, ଚଲୋ ଚଲୋ ଚଲୋ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟିଥ୍ ଲଗେଇଦେବା, ଯେମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଥିବ ଲାଗିବ ଯେ ସବୁବେଳେ ହସୁଛି, ନାଇଁ କି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ସି, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏଠି ବହୁତ ହେବନି, ଏଠି ମୋର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଏନ୍ହାନ୍ସେସ୍ ଦ କାପାବିଲିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ମେସିନ୍, ହାର୍ଡ଼ୱେୟାରକୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର କ'ଣ କରେ, ଏନ୍ହାନ୍ସ କରିଦିଏ କାପାବିଲିଟିଜ୍କୁ। ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ସଫ୍ଟୱେୟାରର ରିଲେସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ର ଅଲଗା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ରାମ ରମ୍, ରାଇଟ୍? ହଉ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 47କୁ। ଟୁଡେଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜିଏଣ୍ଡ IBM ୱାଜ୍ ଆର୍ଲିୟର୍ ନୋନ୍ ବାଇ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନେମ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ 1924, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନେମ୍? IBM କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆଜି ଯେଉଁଟାକୁ ଜିଏଣ୍ଡ IBM ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତା'ର ନାଁ ଅଲଗା କିଛି ଥିଲା ଯାହାକି 1924ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ତ ସେ ପୁରୁଣା ନାଁଟାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ କହିଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, ଟ୍ୟାବୁଲେଟିଂ, ରେକର୍ଡ଼ିଂ କୁ। ବିଫୋର୍ ଏ ଡିସ୍କ ଡ୍ରାଇଭ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆସେସ୍ ଏନି ସେକ୍ଟର ରେକର୍ଡ଼, ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହାଜ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଦ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ଡିସ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଡଜ୍ ଦିସ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ସ୍ପେସିଫାଏ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛ ସମସ୍ତେ, କେମିତି କ'ଣ ଜାଣୁଛ କି ଜାଣି, ଯାହା ହଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ କି, ନୂଆ ପିଢ଼ିର ହଁ ଛୁଆମାନେ, ତମେ ତ ଛୁଆମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ, ଟିକେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଅଧିକା ଥାଏ, ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେଲୁଣି ତ ଆମର ଟିକେ ଟିକେ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲାଣି,
डिटेरियोरेट होगलाणी। ट्राक नंबर, सेक्टर नंबर, सरफेस नंबर एवं ऑल सहित तुम जीव ही जीव मुझे जानी एटी आ जी जाइए मार्क तो मिली ही मिली। चलो बढ़िया। अरेंजिंग ऑफ डाटा इन ए लॉजिकल सिक्वेंस इज कॉल्ड। डाटा को लॉजिकल सिक्वेंस रे अरेंज करने को कौन कहा जाए? ये भी आराम से करदेव किंतु कंप्यूटर लैंग्वेज रे करिवो, बायोलॉजिकल लैंग्वेज रे नुहे। कंप्यूटर छुआ सब नहीं कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन, समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु वर्तमान पर्यंत जो मैंने लाइक करन से माने टिके लाइक करो, हला से माने टिके लाइक करो एवं ता सहित तो फ्रेंड्स मानक सहित टिके शेयर करो एंड कमेंट करके जनइबो इफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस सेशन। 500 क्वेश्चन रु आगे को जो ए सेशन को बढ़ेबार अछि, हां 50 क्वेश्चन आज डिस्कस करवा। और जदि तुम चाहो जो 500 अधिक क्वेश्चन सेमती हमें डिस्कस करू बोली ताले निश्चित रूपे कमेंट करके जनइबो। शॉर्टिंग इज द राइट आंसर, ए करेक्ट। जस्ट ए सिंगल कमेंट, हाँ आउ किसी दरकार नहीं, लाइक शेयर कमेंट एतिक जिनस करो। सरला, व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर? लॉजिकल यूनिट रो रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन? कंपेयर नंबर्स, टू कंपेयर नंबर्स, ये फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करेनी कि प्रोड्यूस करेनी रिजल्ट को। लॉजिकल यूनिट कौन करे? कंपेयर करे नंबर्स को एंड कंपेयर करे छोटो बड़ो बाछी पारे, जानी पारे, बुझी पारे। तो ये 51 नंबर देखा जाऊँ जेहेतु गोटे करदे कही दे यार आंसर टे बहुत इजी क्वेश्चन टा तो से आनली। आबाकस जो अंगनवाड़ी गणवर तुमको साहय कर से आबाकस क्वेश्चन, हाँ गोलू 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 वाला तो अबाकसटा गोटे कौन? मेकानिकल कैलकुलेटर हम ना कंप्यूटर हम कौन हो? कैलकुलेटर हम ना। अबाकस वाज द फर्स्ट मेकानिकल कैलकुलेटर। कहीं मेकानिकल कैलकुलेटर है एटा कैलकुलेट करिवारे हेल्प करे ना, ये कौन कंप्यूटर की कंप्यूटर की नो फर्स्ट कैलकुलेटर काउंटिंग मशीन बोली भी कही परिवा नहीं कि। हो पुणे देखावा नेक्स्ट सेशन रे, जदि तुम चाहिबो ए सेशन को आगो को बढ़ेबा पई ताले मते कमेंट करके जणेबो कि एई सीरीज टा कंटिन्यू करू। सेथिपई तो मु सिलेक्टेड एमसीक्यूज #1 बोली लिखीतिली, बट तुम जदि चाहिबो ताकु मु आगो को कंटिन्यू करिवी 10टा सेशन कि 12टा सेशन करिवा को चेष्टा करिवी। तो निश्चित रूपे समस्ते ए वीडियो को लाइक करिवा सहित कमेंट करके जणेबो जे एक्चुअली यू वांट और नॉट एंड शेयर करिवो फ्रेंड्स मानक सहित, सो दैट इट विल बी मोर इफेक्टिव एंड तुम मानक प्रभावटा निश्चित रूपे रहिबो। आज 5 नंबर पेज पर्यंत गले एमती 31 नंबर पर्यंत अछि। इफ यू वांट देन आई विल कंटिन्यू इट दिस सीरीज इन यूट्यूब। ओके सो समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने एक्सप्लोरिंग गोल्स रो आप्लिकेशन रे जॉइन करना समान निश्चित रूपे जिते शीघ्र पार्च जॉइन करो, आउ डेरी करिवार कौन से कारण ना कहीं वर्तमान जॉइन कले तुम मैंने सब लाइव क्लासेस देखिपार और आगर जहाँ भी क्लासेस होती से रेकर्डेड क्लासेस को आसेस कर पार। तो निश्चित रूपे जॉइन करो एक्सप्लोरिंग गोल्स आप्लिकेसन रे, डिटेल्स मत कंटाक्ट कर पार, मत व्हाट्सअप कर मो नंबर रे, जो नंबर तुम मैंने ये देखु कड़े गला देखिले सीना कर, हाँ ये कड़े गला, हाँ बस 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 देखा जाऊ तो यही नंबरटा ठीक अच्छे। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, स्टे कनेक्टेड विथ एक्सप्लोरिंग गोल्स। थैंक यू आज सुंदर पार्टिसिपेशन एंड बहुत मात्रा रे ठीक उत्तर देवा चेष्टा करी बोली मुझे भावुची। पंकजिनी, साई, सुभस्मिता, रोजालीन, सीमा, थैंक यू वेरी मच, द्रिश्मी, लिप्सा, स्वागतिका, इप्सिता, स्वाति, सौम्यरंजन, ज्योतिर्मयी, संपूर्णा, थैंक यू रुचिता राणी, प्रियंका, लिप्सा, इप्सिता, सुप्रभा, लालतू, थैंक यू कामाक्षमयी, स्वर्णमयी, समस्त को धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड, हरप्रिया, प्राचीतारा, थैंक्स अ लॉट, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, जय जगन्नाथ।